ठीक है, फाइल में जाके न्यू, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ विजिटिंग कार्ड की हाइट और विड्थ क्या थी, यहाँ से मैं इंचेस में ले लेता हूँ और विड्थ कर देता हूँ 3.5 इंच, और हाइट में कर देता हूँ 2 2 इंच ये, ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये इस टाइप का विजिटिंग कार्ड का, बिजनेस कार्ड का साइज आ जाएगा। अच्छा, विजिटिंग कार्ड की यही साइज होती है सर, हाँ, हाइट ये में 2 इंच। फिर से रिपीट कर लेता हूँ, ये रेड वाला कलर है, ये हल्का सा आ रहा है। ठीक है, यहाँ से एक बॉक्स बनाएंगे, फिर यहाँ से दूसरा बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, ऊपर ये तीसरा बॉक्स बनाएंगे, और ये चौथा बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि इसी पिक्चर को मैं यहाँ इंपोर्ट कर देता हूँ, इसके सिर्फ कलर निकाल के रख देता हूँ। ओपन, और ये कहाँ पड़ी है, डेस्कटॉप पे, विजिटिंग कार्ड आ जाओ, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से मैं 4 बॉक्स बना लेता हूँ, थोड़ा सा और डिटेल कर देता हूँ। ये एक बॉक्स बन गया, कंट्रोल डी डी डी, इतने आ गए। उसी को सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल लिया, ये कलर ले लिया, ठीक है, फिर सिलेक्शन टूल लेके इसको सिलेक्ट करा, आई ड्रॉपर टूल ले लिया, इसको सिलेक्ट करा, और फिर सिलेक्शन टूल लेके इसको सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल लेके ये कलर ले लिया, उसके बाद सिलेक्शन टूल लेके इसको सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल लिया, और इसको सिलेक्ट कर लिया। अब चारों कलर अलग आ रहे हैं ना, ये थोड़े से अलग हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर ये कलर हो गए अंदर के, बाकी ये कलर करने, इसी को मैं कर देता हूँ पकड़ के, या डिलीट कर देता हूँ, इन सबको सिलेक्ट करा, अल्टर का बटन दबा के इसको ऊपर रख देता हूँ। ठीक है, इसी बॉक्स सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल लिया, ये सिलेक्ट करा, सिलेक्शन टूल लेके इसको सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल लेके ये सिलेक्ट करा, सिलेक्शन टूल लेके इसको सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल लेके इसको सिलेक्ट करा, ये मैं लास्ट कर लूँ, फिर इसको पूरे को कॉपी करके वहाँ लेके जाएंगे। ये हो गया, इस पूरे कलर पेटल को, ठीक है, इसको पकड़ के हम लेके जाएंगे अपनी फाइल में, ये आ गया। ठीक है, अब इन्हों को थोड़ा सा छोटा भी कर लेंगे, तो पकड़ के यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबा के ये छोटा सा बना दिया। ठीक है, कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन, थोड़ा सा बाहर कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ से मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, बिल्कुल इसके यहाँ पे रख लेता हूँ, इतना सा, ये इतना बड़े आ जाए जितना उसका है साइज। ठीक है, उसके बाद इसको मैं कलर कौन सा कर दूं, आई ड्रॉपर टूल लेके ये वाला कलर करना है, ये वाला कलर आ रहा है ना। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, इसी को कंट्रोल डी, तो उसमें आता है कोरल ड्रा में आता है, चलो इसको बिल्कुल सीध में लेके जाना है, बीच में ग्रीन नज़र आ रही है, सेंटर टू सेंटर आई ड्रॉपर टूल लिया और ये कलर कर देंगे। ठीक है, ये आपका कुछ इस टाइप से आ रहा है ये वाला, आप ये कलर करेंगे, फिर आपको चीज़ बताता हूँ, इसी को आगे फेंकेंगे, अल्टर का बटन दबा के ये इधर कर देता हूँ, और आई ड्रॉपर टूल लेके ये वाला कलर ले लिया, और ये कितने ऐसे हो गए, 1 2 3, अब ये वाला, और फिर इसी को सिलेक्ट करके इसी को पकड़ के आगे यहाँ से इसके साथ चिपका देते हैं। सो सिलेक्शन हो ही पड़ी है, आई ड्रॉपर टूल लेके ये वाला सिलेक्ट कर दिया, तो ये आपका इस टाइप का बन गया। ठीक है, अब सिर्फ हमें वाइट वाला ये बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी को सिलेक्ट करके, या इसी को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कॉपी करके इसी के ऊपर पेस्ट कर दो। ठीक है, एडिट में जाके कॉपी, एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस, इसके ऊपर ही पेस्ट कर दो, ये आ गया। फिर इसको यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, ये इतना सा कर दो। ठीक है, फिर इसको कलर आप कौन सा कर दोगे, ये हो फर्स्ट वाला, ये आपका आ जाएगा, ये आपका इस टाइप से आएगा, मगर थोड़ा सा ये थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, उस हिसाब से फिर इसको कर लेंगे, ये इतना रख लिया, इसी को सिलेक्ट करके अल्टर का बटन दबा के बिल्कुल नीचे लेकर आएंगे, ये कुछ इतने टाइप का, थोड़ा सा इतना कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसको खींच लेता हूँ थोड़ा इतना बड़ा, ताकि जो छोटा वाला साइज़ आ रहा है ये भी आ जाए। ठीक है,
ये भी इस टाइप का थोड़ा सा कुछ बड़ा छोटा हो गया, और खैर वो कर लेंगे। अच्छा इसमें एक और चीज़ कि ये कुछ ज़्यादा बड़ा आ रहा है और ये थोड़ा सा छोटा आ रहा है, ये भी छोटा आ रहा है, तो इसको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, और इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा करके इधर के साथ मिला देता हूँ, ठीक है। तो इसको इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये अलग, ये अलग, ये अलग हो गया। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, आपको वाला ये वाला, इसी को सिलेक्ट करके अल्टर का बटन दबा के बिल्कुल इसके सीध में लेके जाएंगे, यहाँ पे रख देंगे, ये बिल्कुल यहाँ पर रख दिया। इसको कलर भी फौरन कर देंगे, फिर इसको छोटा कर लेते हैं, ये कलर छोटा हो गया, ठीक है। इसी को सिलेक्ट करके ये इसकी ग्रिप बिल्कुल छोटी सी बारीक सी कर लेता हूँ, ये हो गया। अभी आप करो क्या करोगे, डायरेक्शन टूल लोगे और इन दोनों को सिलेक्ट करोगे, मगर शिफ्ट दबा के इसको और इसको हटा देना है, मगर ये पूरे हो रहे हैं। इसी को सिलेक्ट करके अल्टर का बटन दबा के जूम इन करके डायरेक्शन टूल लेके सिर्फ इसी बॉक्स के इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के इसी को सिलेक्ट करके इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये कुछ इतना कर देता हूँ, ये जितना ऊपर है काफ़ी ऊपर है ना, इसी को पकड़ के थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, अब बेहतर है। कंट्रोल जेड, इसकी सीध में लेके जाए, ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, मतलब सीध में जा रहा है, ठीक है। ये आ गया, ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया। अब इसी को मैं रिफ्लेक्ट करूँगा उधर, तो उसका ब्लैक आ जाएगा, फिर इन दोनों को कॉपी करके नीचे लाऊंगा, ठीक है। तो इसी को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके इसको मैं रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ, रिफ्लेक्ट करने के बाद इसको प्रीव करता हूँ, तो उस तरफ आ गया कॉपी, इसको लेकर जाता हूँ ग्रीन कलर की बिल्कुल सीध में, ये यहाँ पर इसको मैं रख लेता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके आईड्रॉपर टूल लेके ये वाला कलर कर देता हूँ, ये वाला हो गया। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके अल्टर का बटन दबा के इन दोनों को नीचे लेकर आता हूँ, ये कुछ इतना जोड़ देता हूँ, जैसे कि यहाँ से जुड़ा हुआ है ना, यहाँ बिल्कुल इसके बराबर रख देंगे, जेड इंटर, ये इतना इसके फिट हो गया। कंट्रोल ज़ीरो फिट टू स्क्रीन, और अब क्या करेंगे, इसको नीचे से थोड़ा सा खींचेंगे, और खींचने से उसकी वो साइज़ ख़राब हो रही है, तो इट मीन के दोबारा बनाना पड़ेगा इसको, चलो कर लेते हैं। या इसी को सिलेक्ट करके अल्टर का बटन दबा के इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, और इसको फिर थोड़ा सा बिल्कुल उसकी ग्रीन सा टच हो जाएगा, और डायरेक्शन टूल लेके इसको भी सिलेक्ट कर देना है, इस एंकर को शिफ्ट दबा के फिर इसके एंकर को सिलेक्ट कर देना है, देन इसको थोड़ा सा इतना कर देना है ऊपर, ग्रीन लाइन के बिल्कुल सीध माननी चाहिए, आ गया, ठीक है। फिर इसको भी कलर वही रख लेते हैं, ये वाला। इसको क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके इसको मैं कर देता हूँ रिफ्लेक्ट प्रीव कॉपी, सी को कान से पकड़ के इसके सीध में लगा देते हैं थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। फिर इसी को सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल लेके ये वाला कलर लिया, अच्छा उसके बाद इसी को सिलेक्ट करके अल्टर का बटन दबा के ये आगे फेंक देंगे, इसके साथ रख देंगे, आ गया। फिर इसी को पकड़ के बिल्कुल इसके करीब फिट लगा देंगे, इसी को सिलेक्ट करते हुए आईड्रॉपर टूल लिया, और ये आपका पूरा का पूरा कार्ड बन गया। अब ऊपर वाला कटिंग कैसे करेंगे, ये आपसे सवाल है। हाँ ट्रिम होगा, ठीक है। ये शेप बिल्डर तब होता जब इसके पीछे कोई शेप होता, ठीक है। अभी तो सही, ये इधर आ गया, इसी को आई ड्रॉपर टूल लेके ये वाला कलर कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल ज़ीरो फिट टू स्क्रीन, थोड़ा सा जूम आउट करके सेम टू सेम चीज़ बन गई,
अच्छा उसके बाद आप कह रहे थे ये स्पेस कैसे आएगा, ये भी स्पेस बता देता हूँ। इसको और इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इधर करेंगे, दोनों सिलेक्ट होगा, शिफ्ट दबा के ठीक है, थोड़ा सा मामूली सा थोड़ा सा बिल्कुल, अबे इधर हो जा, बस इतना करना है। अगर ज़्यादा करना चाह रहे हो तो शायद इसमें ज़्यादा है, चलो तो भी आप कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा और कर देते हैं, अबे हो जा, बस सही है। अच्छा आप क्या करोगे, रेक्टेंगल लेके इसको बिल्कुल इसके सीध में रखोगे, ये आ गया, फिर इन सबको यहाँ से सिलेक्ट करोगे और पाथ फाइंडर में जाके यहाँ से इसको आप ट्रिम कर दोगे। ट्रिम करने के बाद ये चीज़ राइट क्लिक अनग्रुप कर दोगे और इसको सिलेक्ट करके डिलीट, कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन, ये आपका एफ एफ